Good evening, students. This is Dr. Anurag Singh, and I welcome you on board to the present session on our YouTube channel IAS Toppers Mantra. So, students, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा आज का session पूरा का पूरा केंद्रित है, centered है around योजना मैगजीन October 2020 issue. अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना important है ये योजना मैगजीन, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस या पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी के ऑल थ्री स्टेजेस के लिए बहुत ही एसेंशियल माना जाता है ये मैगजीन। प्रीलिम्स में जहां फैक्चुअल क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं, दो से चार फैक्चुअल क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं हर साल प्रीलिम्स में, वहीं मेंस में डायरेक्टली 7 to 8 क्वेश्चंस एवरी ईयर आर आस्क्ड फ्रॉम दिस योजना मैगजीन इश्यूज। और अगर कोई इश्यू किसी एक टॉपिक पे पर्टिकुलरली डील करे, स्पेसिफिक तरीके से डील करे, that issue gathers much more importance. And as you can see upon the screen, this month October 2020 ka jo issue hai wo pura kendrit hai, centered around India's international relations, as you can see it here. Aur India ki international relations ka matlab hai GS paper 2, general studies paper 2, mains ke portion mein GS paper 2 mein polity, governance and IR ke section mein directly ये हेल्प करने वाला है। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अलोंग विद द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जीएस पेपर 2 में लगभग 5 से 6 सवाल हर साल यहां से आते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 मेंस में स्टूडेंट्स 5 to 6 क्वेश्चन कम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। ओके, सो 5 से 6 सवाल बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी, आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको इन क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसा सेक्शन है जो आपको बहुत आगे ले जाता है। इन शॉर्ट, अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चंस, दिस विल बी द सेक्शन विच विल मेक यूर टॉपर इन जीएस पेपर 2। और आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स कि जिन स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं हो पाता यूपीएससी मेंस में, जो लोग रुक जाते हैं उसके पीछे स्पेसिफिकली जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के स्कोर्स होते हैं। तो अगर जनरल स्टडीज पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है तो हमें इस सेक्शन को अच्छे से इस पे कमांड करके जाना होगा। और इस बार अक्टूबर 2020 का जो इश्यू है वो योजना का पूरा हमें नॉलेज दे रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर जनवरी में जो मेंस होने वाले हैं 2020 के यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, उसमें अगर डायरेक्टली 5 सवाल यहीं से आ जाए, डोंट बी सरप्राइज्ड। नाउ व्हाई हैज दिस इश्यू कम अप इन योजना मैगजीन, क्यों इसी पे फोकस किया गया इस मंथ? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक जब से आया पूरे विश्व में, उसके बाद से सबसे बड़ी चीज जो आई है फॉरेन पॉलिसीज में अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज फेथ हैज ब्रोकन डाउन। डू यू एग्री? फेथ ब्रेक कर गया है, बिलीव ब्रेक कर गया है, रिलेशंस खत्म हो चले हैं, सारे देश एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, बहुत जगहों पे एग्रीमेंट्स किए गए, एयर बबल एग्रीमेंट्स किए गए ट्रांसपोर्ट को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा परेशानी आ गई है। कहा जा रहा है इस ग्लोबल ऑर्डर को वापस अपनी जगह पे रखने में, प्री कोविड-19 पैंडेमिक की जगह पे रखने में अभी बहुत साल लग जाएंगे। एक विश्वास टूट गया है देशों के बीच में, स्पेसिफिकली चाइना को लेकर अभी बहुत ज्यादा एप्रिहेंशन आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और ऐसी जगह पे इंडिया, हैट्स ऑफ टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडिया इज टेकिंग द लीड इन हेल्पिंग अदर्स एज वेल। भारत ही वो देश है जहां जो सारे देशों की मदद कर रहा है, साथ में अपने ऊपर तो अपनी मदद करते हुए सबकी मदद कर रहा है। और ये अभी से नहीं है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही इन्हीं चीजों पर केंद्रित है। इनफैक्ट इंडिया का गुडविल डिप्लोमेसी, इसके लिए इंडिया बहुत फेमस है, दैट एक अच्छे दोस्त की तरह काम करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, यही उसको पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिए हुए, अ डिस्टिंक्ट ग्लोबल इमेज इंडिया हैज गैदर्ड अप। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज योजना मैगजीन का ये पहला पार्ट है अक्टूबर 2020 का। इनफैक्ट मैंने योजना अक्टूबर 2020 में लगभग 10-12 आर्टिकल्स आए, मैंने 3 सेशंस में डिवाइड किया। आज पहला सेशन, आज हम लोग 1-2 आर्टिकल्स देखेंगे, साथ में हम देखेंगे योजना मैगजीन का इंपॉर्टेंस। सो हैव अ लुक एज यू कैन सी इट हियर, योजना मैगजीन इंपॉर्टेंट क्यों यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से? सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात है
डू यू नो कॉलम आता है योजना मैगजीन में, एंड डू यू नो कॉलम डायरेक्टली डायरेक्टली वहां से प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट 2016 से लेकर 2019 तक 3 से 4 सवाल प्रीलिम्स में डायरेक्टली योजना मैगजीन के डू यू नो आर्टिकल से आ रहे थे। और यही मीन्स आप समझ सकते हैं कि 3 से 4 सवाल 100 क्वेश्चंस में से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डू यू नो कॉलम्स हैं। डू यू नो कॉलम इस बार किस चीज के ऊपर आया, यू कैन हैव अ लुक। हम लोग एक बार ओवरव्यू देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। दिस इज द डू यू नो कॉलम ऑफ दिस मंथ, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एक्ट, मीन्स उसके 75 ईयर्स पूरे हुए हैं, उसी पे डू यू नो कॉलम दिया हुआ है। और देखिए इसके नीचे डेटा दिया हुआ है, दिस ऑल कैन बी इम्पॉर्टेंट दिस ईयर। तो डू यू नो कॉलम 2021 के प्रीलिम्स के लिए इस बार यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, यहाँ से कुछ हम लोग फैक्चुअल डेटा निकालेंगे और देखेंगे प्रीलिम्स में क्या क्या यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया। तो जैसे ही आप योजना मैगजीन ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, तुरंत डू यू नो कॉलम पे शिफ्ट कीजिए और पहले उसको देखिए, क्योंकि वहां से आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेट शिफ्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई इज योजना मैगजीन इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, योजना मैगजीन इज इंपॉर्टेंट फॉर बॉक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीलिम्स। ओके, योजना में हर आर्टिकल में कुछ बॉक्सेस दिए रहते हैं और उन बॉक्सेस में से इंफॉर्मेशन पूछ दिया जाता है। और देखा गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अब ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं बॉक्सेस में से आ रहे हैं। वो 2016 का पेपर लीजिए, 2017 का, 18 का, 19 का या 20 का, प्रीलिम्स में 2 से 3 सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अगर देखेंगे योजना मैगजीन का इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स के लिए, लगभग 5 सवाल, एंड दैट मेक्स इट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 100 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन वो भी अगर सीधे तरीके से पूछ दिए जाएं और आपको पता रहे क्योंकि आपने योजना मैगजीन पढ़ा हुआ है, यू विल गैदर मार्क्स। और जो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है योजना मैगजीन का स्टूडेंट, दैट इज मेंस आंसर राइटिंग। तो मेंस की आंसर राइटिंग में यहां से दो बड़े इंपॉर्टेंस है, दो बड़े मीन्स क्या कहते हैं आप कह सकते हैं यूसेज है योजना मैगजीन का। पहला, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से, यस। और आज हम देखेंगे एक दो आर्टिकल्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे अगर इस बार जनवरी में जो मेंस होने वाला है उसमें। एंड सेकंड पॉइंट, अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, वी कैन गैदर सम वैल्यू एडिशन स्टूडेंट्स, वैल्यू एडिशन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से आंसर राइटिंग में, टू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स, टू गेन सम एक्स्ट्रा माइलेज एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। और यहाँ योजना हमें ये माइलेज देगा, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस बार का इंटरनेशनल रिलेशंस का जो इश्यू है इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द कंटेंट्स पेज, एज यू कैन सी इट कंटेंट्स पेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो योजना मैगजीन 2020 अक्टूबर, एंड कंटेंट्स पेज पे पहला आप देखिए, इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक। ओके, दिस इज द लीड आर्टिकल, सबसे क्रूशियल आर्टिकल है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ इंडिया ट्रेड नेगोशिएशंस। ओके, ट्रेड पे फोकस्ड एक आर्टिकल, और ट्रेड पे ही फोकस्ड एक सेकंड आर्टिकल यहां देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड पे इतना फोकस क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रेड माना जाता है इंपॉर्टेंट एवेन्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। देखा गया जितना जिस कंट्री का ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेशन है, बोथ इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, उसी के हिसाब से उसके इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ में, उसी हिसाब से उस कंट्री का इमेज देखा जाता है। सो ट्रेड के ऊपर हम लोग ये तीनों आर्टिकल्स देखने वाले हैं। हम देखने वाले WTO के ऊपर क्या WTO में चैलेंजेस हैं, इंडिया के लिए क्या वहां पे रोल है, एंड देखेंगे हम ग्लोबल ट्रेड शेयर में इंडिया का शेयर कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम देखेंगे नेपाल एंड भूटान, इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल और भूटान से इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं और क्या चैलेंजेस अभी क्रॉप अप किए हैं नेपाल के साथ में। यस, वी आर गोइंग टू सी इट। दोनों कंट्रीज इनफैक्ट लैंडलॉक कंट्रीज हैं और चाइना और इंडिया के बीच में है, जैसा कि आपने देखा होगा।
और ये दोनों कंट्रीज में इंडिया के रिलेशंस अच्छे रहने चाहिए अगर उसे चाइना को काउंटर करना है, तो कंटेन करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर इंडिया रशिया रिलेशंस, रशिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। इनफैक्ट रशिया एक वही दोस्त है जो हमेशा से इंडिया का साथ दिया है, और ये रशिया के साथ जो दोस्ती है हमारी वो लेकिन एक ही चीज पे फोकस है, डिफेंस। शायद हम इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसी पे ये डिस्कशंस किए गए, वी आर गोइंग टू सी इट। एंड नेक्स्ट रिलेशन विद वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया थिंक वेस्ट पॉलिसी, प्रेजेंट गवर्नमेंट का, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का थिंक वेस्ट पॉलिसी, इसका पूरा फोकस पश्चिमी एशिया के ऊपर, वेस्ट एशिया के ऊपर। और ये हम देखेंगे इसमें इंडिया क्या कर रहा है, यूएई के साथ कैसे दोस्ती बढ़ रही है, सऊदी अरब के साथ दोस्ती कैसे बढ़ रही है, ईरान के साथ कैसे बैलेंस्ड अप्रोच है इंडिया का, वी आर गोइंग टू सी दिस इन दिस आर्टिकल। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू सी इंडियन डायस्पोरा मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस। इनफैक्ट इंडियन डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रेमिटेंसेस की बात छोड़ दीजिए, रेमिटेंसेस तो है ही, इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंसेस गेनिंग कंट्री है पूरे विश्व में, रैंक वन पे है। लेकिन ये इंडियन डायस्पोरा का सबसे बड़ा रोल है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा रोल है रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना। इनफैक्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है डायस्पोरा इज द ऑक्सीजन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑक्सीजन की भांति ये काम करता है, इनको साथ लेकर चलना है, चाहे वो कीनिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो फिजी हो, इनको बाईपास करके नहीं चलना है। इन शॉर्ट ये साफ साफ फोकस प्रेजेंट गवर्नमेंट का रिटेल डिप्लोमेसी के ऊपर है। रिटेल मीन्स इंडिविजुअल डिप्लोमेसी, ऑफिशियल डिप्लोमेसी के अलावा। और यही वजह डायस्पोरा को अब लग रहा है कि नहीं, उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया को लेकर। तो ये सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं इस बार, और ये सारे आर्टिकल्स पे इस बार मेंस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। वी आर गोइंग टू सी दीज आर्टिकल्स वन बाय वन, बिगिनिंग टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट आर्टिकल, द नीड आर्टिकल, इंडिया का रोल कोविड-19 पेंडेमिक के समय। इंडिया का रोल क्या है और इंडिया कैसे इमर्ज कर रहा है ग्लोबल लीडर के रूप में। स्टूडेंट्स लीडर का मतलब ये नहीं होता जिसके पास मिलिट्री ज्यादा हो या जो पावरफुल ज्यादा हो, लीडर का मतलब वो होता है जिसका एक इमेज बहुत अच्छा इमेज पूरे ग्लोबल लेवल पर हो, जिस पे विश्वास कर सके सारे कंट्रीज। और इंडिया इनफैक्ट एक ऐसा ही देश है, एक ऐसा ही देश बनकर उभर रहा है। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन, बट बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या हम देखेंगे पहले, क्योंकि तभी हम देख पाएंगे ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी कैसे चल रही है और कैसे वर्ल्ड में इंडिया लीडर बनकर उभर रहा है। सो हैव अ लुक India's foreign policy. So foreign policy, as you can see it upon the screen, students, foreign policy का मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पे। It is all about a comprehensive plan of action. Comprehensive plan of action जो एक country initiate करती है outside world के साथ। Okay, तो यहाँ पे एक country, example India, और outside world के बीच में जो relations हैं वही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मानी जाएगी। यस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो आउटसाइड वर्ल्ड में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, कंट्रीज आती हैं, बिल्कुल आती हैं, कंट्रीज तो आएंगी ही। यस, क्या इसमें ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगे, करेक्ट, बिल्कुल। इसके अलावा इसमें क्या आएगा, इंडिविजुअल्स। कौन से इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स में कौन से इंडिविजुअल्स आएंगे इसमें, फर्स्ट जो इंडियन डायस्पोरा वहां पर रह रहा है, एंड सेकेंड जो वहां के सिटीजन वहां पे रह रहे हैं। तो इन शॉर्ट फॉरेन पॉलिसी इज अ प्लान ऑफ एक्शन फोकसिंग अपॉन इंडियाज रिलेशंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यस, कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। अब आप बोलेगा सर इसकी क्या जरूरत है, आप बताइए, क्या आप समाज में रहते हैं, सोसाइटी में, क्या आप सोसाइटी के बिना सर्वाइव कर पाइएगा, नेवर, क्योंकि आपके जो नीड्स हैं वो हमेशा ज्यादा रहेंगे आपके प्रोडक्टिविटी से, यानी कोई ना कोई ऐसी नीड्स रहेंगी जिसके कारण आपको समाज पे निर्भर रहना पड़ेगा। इन शॉर्ट यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। सेम थिंग आउट हियर, नीदर ऑफ मींस नन ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर यू कैन से सेल्फ सफिशियंट इन एवरीथिंग। सेल्फ सफिशियंट, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपने जो नीड्स हैं उसके लिए सारे प्रोडक्शन कर पा रहा है खुद के यहाँ, नो, उसे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। एग्जाम्पल, इंडिया क्रूड के लिए बहुत ज्यादा निर्भर है।
एग्जाम्पल इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट्स ज्यादा करता है लेकिन मशीनरी पे निर्भर है आउटसाइड वर्ल्ड पे। ऐसे ही चाइना भी निर्भर है आउटसाइड वर्ल्ड पे, यूएस भी निर्भर है, रशिया भी निर्भर है, और ये निर्भरता हमें एक तरह से आप कह सकते हैं इससे रिलेशंस बनाती है अक्रॉस द वर्ल्ड विद डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड विद डिफरेंट पीपल। ये ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है? ऑर्गेनाइजेशन भी स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक ग्लोबल एक रीजनल। ग्लोबल का मतलब होता है वो जिनका पूरा ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंस है, एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस यूएन संयुक्त राष्ट्र और उसके सब्सिडियरी एजेंसीज, एग्जाम्पल आईयूसीएन डब्ल्यूएचओ आईएलओ आपने सुना होगा स्पेसिफिक फील्ड में एक एक ऑर्गेनाइजेशन। वही ध्यान दीजिए वही एक रीजनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन यस आसियान सार्क बिम्स्टेक आपने नाम सुना होगा। और इस इश्यू में हमें ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखने हैं कवर करने हैं। तो ये बताइए स्टूडेंट्स क्या आपको समझ में आया क्या जरूरत है फॉरेन पॉलिसी की? यस इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज इन सर्टेन स्फीयर्स एंड वी नीड अ कोहेरेंट प्लान ऑफ एक्शन। हमें कोहेरेंस चाहिए अपने एक्शन प्लान में, इसीलिए फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। तो जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से क्या फॉरेन पॉलिसी क्या फील्ड में आया हुआ है? यस और क्या ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उस समय के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? यस तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एज यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरास डिपेंडिंग अपॉन हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। बस मैं यहां पे एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूं ठीक है, ताकि ये योजना मैगजीन पढ़ने के पहले अक्टूबर 2020 का आपको ये तैयार हो जाए ये पॉइंट। तो नेहरूवियन एरा ऑफ मॉडरेटिज्म, जवाहरलाल नेहरू जी के एरा में मॉडरेट पॉलिसी थी हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम एसर्ट नहीं करते थे, बहुत हद तक हम इंफीरियर रहकर बात करते थे क्योंकि इंडिया हैड जस्ट गॉट इंडिपेंडेंट और इंडिया इन्फेंसी स्टेज में था डेवलपमेंट के। तो मॉडरेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी उस समय शुरू की गई थी यस, और बहुत हद तक आइडियल फॉरेन पॉलिसी थी क्योंकि नेहरू जी का विश्वास था पंचशील के ऊपर, और पंचशील का मतलब ये होता है ना तो इंडिया इंटरवीन करेगा किसी और देश में, ना वो चाहेगा कि कोई और देश हमारे बीच में इंटरवीन करे हमारे अंदर। लेकिन चाइना के साथ वॉर ने ये सारी चीजें ये सारे विश्वास तोड़ दिए, और फिर आया इंदिरा गांधी का एरा जिसे कहते हैं एजर्शन का एरा, बिकॉज इंदिरा गांधी फोकस करती थी इक्वालिटी एज अ बेसिस ऑफ रिलेशंस। उन्होंने कहा था इंडिया के साथ अगर दोस्ती रखनी है तो इक्वालिटी के बेसिस पे, इक्वालिटी विद द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एंगेजमेंट दैट्स इट, यानी हमें इंफीरियर मान के मत चलिए। और ये एजर्शन का एरा इंडिया को और आगे ले गया कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में। थर्ड एरा आया राजीव एरा ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है पहले तो बहुत सारे देशों के साथ में रिलेशंस जुड़े, पहले केवल 3-4 देश थे जिस पे फोकस था, अब 20-25 देशों में। इतना ही नहीं पहले रिलेशंस में एक स्पेसिफिक पॉइंट था डिस्कशन का, डाइवर्सिफाई हो गया सब कुछ, रिलेशंस में डाइवर्सिफिकेशन एंड एक बहुत बड़ा थ्रस्ट इकोनॉमिक ट्रेड के ऊपर, ट्रेड के ऊपर फोकस आया इसमें। यही ट्रेड आगे चलकर बनने वाला था इंडिया का सबसे बड़ा रोल प्लेयर फॉर फॉरेन रिलेशंस एंड दैट गैदर्ड इंपॉर्टेंस इन द राव एरा ऑफ शिफ्टिंग गियर्स। नरसिम्हा राव के एरा में गियर्स शिफ्ट हुए इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के। गियर शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? गियर शिफ्ट होने का मतलब होता है दैट डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा डेवलपिंग कंट्रीज पे भी फोकस, एंड यस पॉलिटिकल एंड डिफेंस एस्पेक्ट्स के अलावा ट्रेड पे भी फोकस। तो गियर शिफ्ट किया इंडिया ने, और गियर शिफ्ट होते ही इंडिया उड़ान भरने लगा डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में भी डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में भी। और इसके बाद आया गुजरात एरा ऑफ गुडविल डिप्लोमेसी। इनफैक्ट गुडविल डिप्लोमेसी का मतलब ही होता है इंडिया एक अच्छे दोस्त की तरह है, इंडिया एक अच्छे दोस्त की तरह है और इंडिया इसमें हेल्प करेगा सारी कंट्रीज को, स्पेसिफिकली वीक कंट्रीज को, और उसमें भी सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आया। नेबरहुड फर्स्ट यानी कि सबसे ज्यादा हेल्प हम देंगे यूनिलैटरल हेल्प अपनी तरफ से कंसेशंस टू नेबरिंग कंट्रीज विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। नॉट दिस गुडविल डिप्लोमेसी आज भी इंडिया चला रहा है
अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बनाना हो या सलमा डैम, या अफ्रीका में पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट लगाना हो, ये सब एग्जांपल्स हैं गुडविल डिप्लोमेसी के। और इंडिया ने ये किया है इनिशिएटिव, और अब इंडिया कोविड 19 जब वैक्सीन बन के तैयार होगा तो वो भी एक्सपोर्ट करेगा चीप प्राइसेस पे अफ्रीका। यस, दिस इज द रोल ऑफ इंडिया। देन केम द एरा ऑफ अटल एरा ऑफ स्टेबिलिटी एंड असर्शन टू। यस, फॉरन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय इंडिया ने असर्ट करना फिर शुरू किया अपना प्रेजेंस ग्लोबल फील्ड पर, और इसके बाद आया मनमोहन एरा ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। यस, डाइवर्सिफिकेशन हुआ फिर से और ज्यादा डाइवर्सिफाई हुआ रिलेशंस, स्पेस के फील्ड में भी, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी, ग्रीन एनर्जी के फील्ड में भी इंडिया ने दोस्ती करनी शुरू करी डिफरेंट कंट्रीज। और इसके बाद आया अभी द प्रेजेंट एरा ऑफ न्यू चैनल्स और मींस। न्यू चैनल्स का मतलब ये होता है फोकस इज अपॉन न्यू एवेन्यूज जिसे दोस्ती बन सके, एंड द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैज फोकस्ड अपॉन दैट एस्पेक्ट। सो दिस इज अबाउट द फॉरेन पॉलिसी शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो इंडिया अभी तक फॉलो करता है अंडर डिफरेंट लीडर्स। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज तो क्लियर कट है स्टूडेंट्स, दैट इंडिया डाइवर्सिफाई किया है, मैच्योर किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। बहुत क्रेडिबल वर्ड्स है, मैच्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन।